रखा था फकीरों और महात्माओं को उसने पहले से आज में ही तुम्हारे लिए भेज दिया था कि जब जरूरत होगी तब वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो तुम्हारी देखभाल संभाल मिलना तो प्रार्थना तुम्हारे दुख और दर्द को सुनने वाले वहां पर रहेंगे। नहीं तो जीवों के साथ ये कर्मों के बंधनों में जो बांध दी गई इनकी क्षमा और माफी तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर तो उनके यहाँ न्याय है, इनको सजा मिलती रहेगी, न इनको मुक्ति मिलेगी, न इनको मोक्ष मिलेगी, न जन्म और मरण से बचेंगे। ये तो अगर वास्तव में माफी का तट्टा इस काल देश में मृत्युग में तो केवल संतों और फकीरों को है और माफी का तट्टा किसी के पास नहीं। वो चाहे बात कर दे, चाहे जितने भी कर्म किए हो, अनेक हत्याए किए हो, जानवर मारे हो, पशु पंछी मारे हो, आदमियों को मारा हो, गरीबों को मारा हो, लेकिन अगर माफ में माफ कर दे तो माफी हो जाएगी और कोई भी माफ कर सकता। जिसने विधान बनाया वो भी नहीं माफ कर सकते। ये तो माफी का जो दर्जा और माफी का अंतर स्थान वो तो केवल फकीरों संतों को दिया गया है और ये उसके दरबार के दरबारी होते हैं जो रोज उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और वहां के संदेशे को जाकर यहाँ देते हैं, यहाँ का संदेशा वहां देते हैं, रोज हाजिरी दिया करते हैं उसके दरबार में, उनको संत और फकीर कहते हैं। ऐसे संतों और फकीरों के ऊपर उस सतपुरुष की कितनी मेहर और दया और उन संतों और फकीरों को कितना अधिकार होता है ये किसी को क्या मालूम है। और जाएगा जब उधर जाएंगे तभी समझ में आएगा कि वहां कितना अधिकार होता है, बिना खुले हुए, बिना जगे हुए, बिना उधर गए हुए, बिना रास्ता देखे हुए, बिना रोशनी और नूर पाए हुए, बिना मणि को जगाए हुए आप क्या जान सकते हो संतों और महात्माओं को। उनको बाहर से देखोगे काला सावला बुरा उनके कमरे को तो क्या जान सकोगे, अंदर क्या रखा होगा, उधर देखो क्या है, कितने कितने शहर उसमें, ये सारी दुनिया सब उठाकर इससे इतना बड़ा पर्व, ये सारा दृश्य एक सुई के नाते के बराबर स्वर्ग में रख दिया जाए इतना बड़ा स्वर्ग हो, और स्वर्ग लोग से बड़ा वैकुंठ लोग और वैकुंठ से बड़ा बहुत बड़ा शक्ति लोग और शक्ति से बड़ा बहुत बड़ा ईश्वर लोग और उसके बड़े 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 ब्रह्मांड जहां की ऐसी अद्भुत और उससे न मालूम कितना था बड़ा ब्रह्मांड है आपको क्या इसका ज्ञान। यहां तो किताबें देखते हो कागज के ऊपर में कुछ नहीं रहता, क्या ज्ञान आपको धरे गए तो आपने छड़े नाम होने वाला ज्ञान कितने दिनों की मेहनत करने के बाद वो भी पूरा नहीं जान पाया। नकल की है आपने हर चीज में, डाकी में नकल की, बैंकी में नकल की और आपने अंग्रेजी में नकल की, संस्कृत में नकल की, उर्दू में नकल की और फारसी में नकल की और नकल करके सब ज्यादा लंबा बहुत ज्यादा 55 पाए 50-45 पाए वो भी कुछ नहीं नकल पर। कभी मास्टर को छुरा दिखाया, कभी अध्यापक को दिखाया, कभी प्रिंसिपल को दिखाया, कभी वाइस चांसलर को और दिखाया नकल वो विज्ञान, वो विज्ञान भी तो ज्ञान नहीं पाया। अगर बुद्धि का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते तब भी है और ये ज्ञान इतना है जहां मन को खोना है, जहां बुद्धि को खोना, जहां चित्त को खोना, जहां काम को खोना, जहां क्रोध को खोना, जहां लोभ को खोना और अहंकार को भस्म करना है और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये जो कर्मों का अपमान इसको जलाना तब ये ज्ञान। अभी तो आप इस ज्ञान में जरा भी नहीं आए हैं तो ये आपको कैसे मिल जाएगा, इस ये सूरज का चीज है कुछ नहीं, ये उस सूरज का ये तो प्रतिबिंब है, उस सूरज का ये प्रतिबिंब है छाया, ये सूरज नहीं है, सूरज कहीं अलग है और उसका प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब है। ये जब ये प्रतिबिंब आपने देखा होगा कि एक शीशे को लीजिए और ऐसे कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रतिबिंब चला जाता है, रोशनी हो जाती है, वो सूरज कहीं उसका प्रतिबिंब
और उस प्रतिबंध का ये प्रतिबंध है। यही चंद्रमा और तारा ग्रहों का इतना बड़ा मंडल है कि उस तारा ग्रहों का प्रतिबंध एक आकाश पर पड़ता है और उस आकाश का प्रतिबंध दूसरे आकाश पर तब आपको दिखाई देता है। आपको वो लोग क्या पता चलेंगे बच्चा, आपको कुछ जान नहीं पहचान नहीं, करने के लिए तो आए नहीं और रहने के लिए आए। हम क्या सुनाए आपको, हम तो धीरे धीरे कुछ कहने और सुनाने के लिए तैयारी कर रहे। जब आपको सहरगाह में ले जाएंगे और ले चलेंगे आपको उधर, तब आपको पता चलेगा ये क्या है। तो अभी तो सहरगाह में उन लोगों में जाने की तैयारी का सामान इकट्ठा किया जा रहा है कि घटक के पटक के भगा के सोड़ा के इधर से उधर से और हर तरह से आपको क्या कर दिया जा। और राज भगवान का मालूम है नहीं है, लेकिन अब क्या करें, अब तो फट गए फटा दीजिए। देखो सीधी बात को हमारी समझ लो, एक पंडित जी जा रहे थे जंगल, चलते 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 रास्ते में एक आदमी मिला, उधर से आ रहा था जामुन खाता हुआ, बड़ी बड़ी जामुन। पंडित जी ने बोला कि अरे भाई तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा मां हो गया है लाल। अरे कह लगे पंडित जी क्या बताए, ऐसी जामुन रसगुल्ला है कि अगर खाइए तो क्या है भाई कहां मिलेगी। कह लगे कि आगे चले जाइएगा तो एक पेड़ मिलेगा, तो आप वहां ऊपर और नीचे देख लेना, बहुत सी गिरी मिलेगी और ज्यादा खाना हो तो चढ़ जाना ऊपर हिला देना। पंडित जी यही सोचते समझते चले गए, चलते 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 एक पेड़ मिल गया। तो गुबड़ीला एक जानवर होता है कीड़ा काला का, तो गोबर इकट्ठा किया करता है गोल गोल। तो पंडित जी ने सोचा कि यही है जामुन। तो गुबड़ीले को जब वो पकड़ने लगे कीड़े को तो चू चू करने लगा। तो पंडित जी कहते हैं कि देख चू करे या मुंह करे काले कालों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा, चू करे या मुंह करे कालो कालों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो आप, तो बच्चा कहीं फंस गए तो चाहे चुप करो चाहे मुंह करो निकलना मुश्किल है। समझ लीजिए, और निकल नहीं सकते आप। अभी क्या हुआ, अभी तो ऐसा जाल तैयार कर रहा हूं छोटा बड़ा पांच किस्म का, दो किस्म का नहीं पांच किस्म का, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये सब मछलियां फंस जाएंगी। आप घबराइएगा नहीं, ऐसा जाल तैयार किया जा रहा है तो निकलना मुश्किल। और वो मैं अभी भेद की बात बताऊंगा नहीं, अभी तो जाल एक है गंगा रेती पर जहां पर काशी विश्वनाथ इस समय पर विराजमान है, 11 दिन तक जाल बनाया जा रहा, जाल तैयार किया जा रहा और अभी तैयार हुआ जाता है। घबराइए नहीं, फिर देखिए जब जाल फेंका जाएगा तो देखिए, मैं तो आपको दिखाई दूंगा उसमें क्या बात है। हमारी तो आपके सामने है, आपको वो क्या पता चलेगा, क्या मालूम होगा। लेकिन देवी कहो कि भगवान की उस खुदा की और उस अल्लाह ताला की उस परम पिता उस प्रभु की अनामी पुरुष की एक अनामी एक अली अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसकी आपके ऊपर दया हो रही है और वो वक्त और समय उन्हीं की कृपा से उन्हीं की दया से ये बता हुआ आपके सामने चला रहा है। और हो जाएगी दया, प्रार्थना भक्तों की कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो सच्चे हृदय से अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके लिए उनकी भक्तों की प्रार्थना भगवान हमेशा मान लेते हैं। इतना इसमें होता है भगवान का भक्तों के साथ कि भक्त होते आए भगवान भक्तों के वश में होते आए, ये कहावत कोई मिथ्या नहीं है, सत्य जो सत्य है। और भगवान कितने दयालु और कितने
भक्तों के मत होते हैं कि भक्त पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो उनका हाथ नीचे होता है और जैसा हाथ पड़ता है तो रुई से भी ज्यादा कोमल कि ताकि हमारे भक्तों को कष्ट न हो। और वो चले जाते हैं आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भगवान पीछे 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 पीछे।